गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, द रेनबो। द रेनबो, आपको पता है ना रेनबो क्या होता है और ये कब आता है? देखो, रेनबो आता है जब बारिश होती है, रेन्स होते हैं, जब रेन जब स्टॉप हो जाता है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो उस टाइम पे रेनबो दिखता है हमें। और रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। और उसके जो कलर्स के नेम है इस चैप्टर में है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो रेनबो कब निकलता है? रेनबो निकलता है जब बारिश बंद हो जाती है। रेनबो, रेन एंड बो, मतलब रेनबो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। तो ये वार्म अप है। देखो, वार्म अप में फर्स्ट क्या है, देयर इज अ गर्ल एंड देयर इज अ बॉय। गर्ल ने क्या लिया हुआ है? एक कलरफुल अम्ब्रेला। और बॉय ने यहाँ पे रेनकोट पहना हुआ है एंड यहाँ पे पानी में वो खेल रहा है। और यहाँ पे क्लाउड्स है और रेन हो रहा है, देयर इज रेनिंग। तो वार्म अप पे जो पोएम है वो क्या लिखा है? से दिस पोएम अलाउड, डू द एक्शंस विद योर टीचर। आपको अपने टीचर के साथ ही एक्शन करना है क्लास में। बट क्या है, अभी स्कूल बंद है तो आप एक्शन क्लास में नहीं कर सकते हो। तो ये आपको घर पे जब मैं करती हूँ, समझा रही हूँ, तो उस टाइम पे आप एक्शन करना घर पे। नाउ द पोएम नेम इज़ द अम्ब्रेला सॉन्ग। डाउन कम द रेन ड्रॉप्स, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, स्टैम्प फुट। आपको जो अपने फीट है, मतलब जो पैर है ना, उसको क्या करने हैं? पानी में छप छप करने हैं, मतलब आपको स्टैम्प करने हैं। डाउन कम द रेन ड्रॉप्स, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, लेट्स रन होम नाउ। चलो अब घर को जाते हैं। डैश डैश डैश, रन ऑन द स्पॉट। यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, स्टैम्प करना है किसको? फीट को। यहाँ पे क्या करना है? रन ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट, पिटर पैटर, ड्रिप ड्रिप ड्रॉप, मतलब जो क्लैप हैंड्स, जो पानी हाथ में आता है उसमें क्या करना है आपको? क्लैपिंग करनी है हैंड्स में। जब आप हैंड्स में करते हो तो क्या होता है, पानी इधर उधर जाता है ना, तो ड्रिप ड्रिप ड्रॉप। आई एम अंडर माई अम्ब्रेला टिल द रेन ड्रॉप्स स्टॉप, प्रिटेंड टू ओपन एन अम्ब्रेला। आई एम अंडर माई अम्ब्रेला कौन बोल रहा है? यहाँ जो गर्ल है वो क्या बोल रही है कि मैं अम्ब्रेला के अंदर हूँ। टिल द रेन ड्रॉप्स, जब तक यहाँ पे रेन ड्रॉप है। क्यों? स्टॉप, स्टॉप मतलब जब तक रेन ड्रॉप्स बंद नहीं होता है। प्रिटेंड टू ओपन एन अम्ब्रेला, और वो क्या कर रही? प्रिटेंड मतलब वो ऐसे दिखा रही है कि वो अम्ब्रेला को ओपन कर रही है। नाउ पिटर पैटर, मतलब जो साउंड है वो किसका साउंड है? डू यू नो वॉट दैट साउंड इज? इट इज़ द साउंड ऑफ रेन। आपको मालूम है ये जो पिटर पैटर है ये किसका साउंड है? तो ये साउंड किसका है? रेन का है। रेन मतलब जो बारिश हो रही है। ओ इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर, इट इज़ सनी नाउ, मतलब अब बारिश नहीं हो रही है। अभी कैसा डे है? इट इज़ सनी है। कैसा डे है ये? इट इज़ सनी नाउ। लुक वॉट इज दैट इन द स्काई, देखो स्काई में क्या है? इट इज़ सो ब्राइट एंड कलरफुल। ये कैसा है? ये बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल है। आह दैट इज़ अ रेनबो, ये क्या है? ये एक रेनबो है। डू यू नो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, क्या आपको मालूम है यहाँ पे 7 कलर्स होते हैं रेनबो में? कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे दिखाऊँ आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप कलर्स काउंट करो तो यहाँ पे 7 कलर्स होते हैं। तो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, लेट अस काउंट। आपने भी काउंट किया ना मैंने, तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर? देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। तो यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 62, द कलर्स ऑफ अ रेनबो आर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। देखो कितने कलर्स है इसमें, कलर्स नेम्स क्या है इसके? कलर्स आर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। द बर्ड्स सिंग व्हेन देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। द बर्ड्स सिंग मतलब बर्ड्स मतलब चिड़िया। चिड़िया कब गाना गाती है? जब रेनबो स्काई में आता है। देखो जब स्काई में रेनबो आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है तो कैसा, बहुत ग्रीन ग्रीन इन्वायरमेंट होता है। क्योंकि जब पानी बरसता है तो उसके बाद जब बंद होते हैं, जब बारिश बंद हो जाती है तो क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं और जो लीव्स होते हैं, जो सूखे हुए ट्रीज प्लांट्स होते हैं, वो पानी से क्या होते हैं, बहुत हरे भरे हो जाते हैं, बहुत ग्रीनरी
और सीन हो जाता है तो द बर्ड्स सिंग व्हेन देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, द स्क्वायरल्स कम आउट टू प्ले, जो स्क्वायरल होते हैं वो कम आउट टू प्ले, स्क्वायरल्स मतलब जो गिलहरी होती है, गिलहरी अपने घर से बाहर निकल के क्या करते हैं, कम आउट टू प्ले, माई ब्रदर एंड आई रन आउट, मेरा भाई और मैं बाहर आए क्या देखने के लिए, रेनबो देखने के लिए, माई ब्रदर एंड आई रन आउट टू लुक एट द रेनबो, ग्रैंड मा कम्स आउट टू सी इट टू, जो यहाँ पे देखो भाई है बहन है, यहाँ पे दादी माँ है, द ग्रैंड मा कम्स आउट टू सी इट टू, आई फील हैप्पी व्हेन सी अ रेनबो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं रेनबो देखता हूँ या फिर देखती हूँ, डू यू, एवरी वन लव्स अ रेनबो, सबको रेनबो बहुत पसंद है, यस सबको रेनबो बहुत पसंद होता है, तो इट इज़ अ चैप्टर अबाउट रेनबो। पेज नंबर 50, द रेनबो चैप्टर, देखो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या था, वन टू लर्न टू आइडेंटिफाई द कलर्स ऑफ योर रेनबो, मतलब जो ये रेनबो है इनके कलर्स कौन कौन से हैं, 7 कलर्स हैं, टू कॉम्प्रीहेंड द अपीयरेंस ऑफ रेनबो, रेनबो कैसा दिखता है, रेनबो कैसे दिखता है, देखो क्लाउड्स है, क्लाउड्स के बीच में रेनबो आता है ना स्काई में, जब सन आता है ग्लो होता है, टू रिकोगनाइज द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, डिस्क्रिप्टिव वर्ड मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, वो वर्ड्स कौन सा होता है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कलर्स ऑफ अ रेनबो, देखो यहाँ पे रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, नाउ इसमें टॉपिक कौन से, ग्रामर टॉपिक दिस दैट एंड दिस एंड दोज, नाउ सीन पेसेस, डू यू नो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, लेट अस काउंट, द कलर्स ऑफ अ रेनबो आर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, answers the following questions, question 1, how many colors are in a rainbow, rainbow mein kitne colors hote hain, so there are 7 colors in a rainbow, kitne colors hote hain, 7 colors, next question is write 7 colors of a rainbow and dekho isme kya karna hai, hame 7 colors ko likhna hai and uske baad mujhe draw bhi karna hai, isko hame kya karna hai, draw karna hai, to dekho यहाँ पे कलर मैंने नहीं किया है, आप घर पे जो कलर्स के नेम लिखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ड्रॉ करना, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लगे तो एक रेनबो आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी रेनबो जो आपको इजी लगे ड्रॉ करने में, और इससे क्या हो जाएगा, आपने बहुत दिनों से ड्राइंग अगर नहीं की होगी तो वो ड्राइंग भी आप कर सकते हो उसमें, है ना, तो आप ड्राइंग भी कर सकते हो और उसमें नेम तो मैंने ऑलरेडी इसमें लिख रखे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 52, क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1, व्हाट इज साउंड ऑफ रेन, जो रेन का साउंड होता है वो कैसा होता है, तो द रेन मेक्स साउंड पीटर पैटर, क्या साउंड होता है, पीटर पैटर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज ब्राइट एंड कलरफुल, देखो ब्राइट और कलरफुल क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्राइट एंड कलरफुल Describing words, the rainbow is bright and colorful. क्या हो जाएगा, rainbow is bright and colorful. Question 3, who comes out to play? बाहर कौन आता है खेलने के लिए, the squirrel come out to play. कौन आते हैं, the squirrel come out to play. Question 4, when there is a rainbow in the sky? Sky में rainbow कब होता है, sky में rainbow कब होता है, जब When rain is over, जब पानी मतलब जो बारिश होती है ना, जब बारिश बंद हो जाता है, when rain is over and sun shines, sun जो चमकता है ना, जब बारिश होती है तो clouds होते हैं, clouds में sun दिखता नहीं है, जब clouds हट जाते हैं, rain ख़त्म हो जाता है, तो sun shine करता है, there is a rainbow in the sky. Question 5, does everyone loves a rainbow? क्या सबको रेनबो पसंद है, येस एवरी वन लव्स अ रेनबो, सबको रेनबो बहुत पसंद होता है, आप लोगों ने कभी रेनबो देखा है क्या, अगर आपने रेनबो देखा है तो मुझे बताना, ऑनलाइन क्लास जब होगी ना नेक्स्ट, मैं आपसे पूछूंगी कि किसने किसने रेनबो देखा है, तो आप सब लोग मुझे आंसर देना कि येस मैंने देखा है और कहाँ पर देखा है आप लोग मुझे ये भी बताना है। टॉपिक दिस दैट दिस एंड दोज, पेज नंबर 53,
तो ये याद है मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था विथ लाइव एग्जाम्पल्स, रिमेंबर दिस दिस दैट दोज। दिस के लिए किसके लिए यूज़ होता है बेटा? जो सिंगुलर हो और पास में हो। देखो एरो रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल है और पास में है। दीज टी एच ई एस ई दीज, दीज में आर लगता है। देखो दिस में इज, दिस में आर, क्योंकि दिस सिंगल है तो इसलिए इज लग रहा है, दिस प्लूरल है तो वहाँ पे आर लग रहा है। प्लूरल एंड नियर मतलब जो पास में है और एक से ज़्यादा है, पास में है और एक से ज़्यादा है। टी एच ए टी दैट, दैट मतलब एक है और दूर है। क्या है? एक है, सिंगुलर है और एक से एक ही है बट दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूर, डिस्टेंस पे है। टी एच ओ एस ई दोज, दोज में आर, प्लूरल एंड फार मतलब एक से ज़्यादा है और डिस्टेंस पे है। तो ये था ग्रामर। एक देखो एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पे क्लाउड्स है, टू क्लाउड्स है और क्लाउड्स कभी भी हमारे पास में नहीं होते, क्लाउड्स हमेशा दूर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज आर क्लाउड्स। दोज क्यों लिखा है? क्योंकि एक से ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस पे है, तो एरो भी देखो दूर है। सेकंड ट्री, ट्री में ये देखो यहाँ पे जो एरो है वो पास में है, एरो कहाँ पे है? वो पास में है और ट्री एक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? दिस, टी एच आई एस, दिस, दिस इज अ ट्री। और एक और चीज़ देखो यहाँ पे इज है, इसका मतलब कि दिस या दैट आएगा, आर है तो दिस दीज या दोज आएगा। आप कभी भी अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप आर इज पे भी फोकस कर सकते हो। जहाँ पे आर होता है इसका मतलब है कि वहाँ पे दीज और दोज लगेगा, जहाँ पे इज होता है वहाँ पे दिस और दैट लगेगा। सन, सन तो एक होता है तो दैट इज़ अ सन। दैट मतलब क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस पे है तो दैट इज़ अ सन। यहाँ पे टू फ्लावर्स है तो दीज आर फ्लावर्स इन माई गार्डन, दीज आर फ्लावर्स इन माई गार्डन। स्टार्स, यहाँ पे क्या है? स्टार्स हैं तो एक से ज़्यादा स्टार्स हैं तो दोज हो जाएगा, दोज आर स्टार्स शाइनिंग। नेक्स्ट व्हील, व्हील एक व्हील है, इज लगा, इसका मतलब कि एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज अ ब्लू बॉल। यहाँ पे बॉल का कलर जो है ब्लू है, बट मैंने सिंपल ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो दिस इज अ ब्लू बॉल। पेज नंबर 53। नेक्स्ट पेज नंबर 54। सेवन क्या है? बर्ड्स है, तो कोई बर्ड्स है यहाँ पे आ गए, तो दोज आर बर्ड्स क्या हो जाएगा? दोज आर बर्ड्स, ये एक से ज़्यादा है और बर्ड्स कभी पास में नहीं होते हैं, तो बर्ड्स कहाँ होते हैं? डिस्टेंस पे होते हैं, दोज आर बर्ड्स। एट मैंगो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज़ अ मैंगो। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे है और यहाँ पे इज है, इसका मतलब दैट, और ये सिंगल है और डिस्टेंस पे है तो दैट इज़ अ मैंगो। नाइन फिश है, फिश में डिस्टेंस पास में है, एक फिश है तो यहाँ पे इज पुट हुआ है ना, इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस, अगर पास में है इसका मतलब ये दिस, दिस इज अ फिश। टेन देखो वन हाउस टू हाउस, तो वन हाउस टू हाउसेस मतलब टू हाउसेस हैं, यहाँ पे एरो पास में है, आर मतलब है तो प्लूरल है, तो टी एच ई एस ई दीज आर हाउसेस क्या हो जाएगा? दीज आर हाउसेस। इलेवन मून है, मून तो एक ही होता है, एक मून होता है तो दैट मून इज शाइनिंग इन द स्काई। मून कहाँ पे शाइन कर रहा है? दैट मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ट्वेल्व कैट्स है, यहाँ दे आर टू कैट्स, दोज आर टू कैट्स, दोज आर टू कैट्स, दोज। थर्टीन बुक है, तो दिस इज अ बुक क्या हो जाएगा? ये बुक पास में है और इज है, इसका मतलब कि सिंगुलर है, तो दिस इज अ बुक। फोर्टीन ये देखो घास है, मतलब घास है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रासेस, तो दोज आर ग्रीन ग्रास क्या हो जाएगा? दो आर ग्रीन ग्रासेस। नेक्स्ट कार है, ये क्या है? कार है, एक ही कार है और पास में है, तो दिस इज अ कार, इसका क्या हो जाएगा? दिस इज अ कार। तो ये आज आपको पेज नंबर 54, 53, 52 एंड मतलब आपको आज क्या क्या होमवर्क करना है, 51, 52, 53 एंड 54 आज होमवर्क में है, तो आप कर दो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।